हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटीएस रेशमी और मैं हूँ रेशमी। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ लोटस हर्बल्स व्हाइट ग्लो सेरम मास्क का रिव्यू। रिसेंटली लोटस ने 3 तरह की शीट मास्क लॉन्च किया है। और तीनों वेरिएंट्स ही मेरे पास है। बाय द वे, आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी सबको यूज़ कर लिया है। एंड इस शीट मास्क का प्राइस है 85 रुपीज़ ईच। नेट वेट है 20 ग्राम ईच। शेल्फ लाइफ है 2 ईयर्स। सब कुछ इस पैक में प्रिंटेड है। फॉर बेस्ट रिजल्ट्स यूज थ्राइस अ वीक आफ्टर क्लेंजिंग द फेस विथ वाइट ग्लो फेशियल फोमिंग जेल। आप इस सेरम मास्क का पैकेजिंग देख सकते हो, कितना ब्यूटीफुल ग्राफिक्स प्रिंट है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि फेस वॉश से मुंह धोने के बाद इस शीट मास्क को अनफोल्ड करिए एंड फेस के ऊपर प्लेस कर दीजिए। लीव फॉर 10 मिनट्स। उसके बाद रिमूव द मास्क जेंटली एंड मसाज इन एनी एक्सेस सेरम और यूज अ कॉटन पैड टू रिमूव। एंड दोस्तों, उसके बाद मुंह धोने की ज़रूरत नहीं है। एंड ये प्रोडक्ट ऑल स्किन टाइप्स, एंटी पॉल्यूशन, पैराबेन फ्री प्रोडक्ट है। अब इंडिविजुअली देख लेते हैं। तो पहला है ये एलोवेरा एक्सट्रैक्ट वाला सेटिन मॉइस्चर सेरम मास्क। सुपर हाइड्रेशन, रिड्यूसेस रेडनेस एंड बूस्ट्स ग्लो। एंड इस पैक के पीछे लिखा है लोटस सेटिन मॉइस्चर सेरम मास्क इज एनरिच्ड विथ एक्जॉटिक एलोवेरा एक्सट्रैक्ट व्हिच प्रोवाइड्स इंटेंस हाइड्रेशन टू स्किन विदाउट ब्रेकिंग आउट। दिस सेरम मास्क अडैप्ट्स टू द कंटूर्स ऑफ द फेस एंड इट्स हाइड्रेटिंग सेरम गेट्स इजिली एब्जॉर्ब टू द स्किन एंड लीव्स इट सॉफ्ट एंड सपल। इट ऑल्सो कॉम्बैट्स द इफेक्ट्स ऑफ एन एग्रेसिव एनवायरनमेंट। इसमें एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है जो स्किन में हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा एंड मॉइस्चर को लॉक कर देगा। अगर आपके स्किन पे रेडनेस आ गए हैं तो उसको भी रिड्यूस करेगा एंड सेंसिटिव स्किन को काम कर देगा। रिमूव्स डार्ट पॉल्यूशन एंड कीप्स स्किन सपल एंड स्मूथ हाइड्रेटेड। सेकेंड वेरियंट है ये मिल्क एंजाइम एंड सेक्सीफ्रेजा एक्सट्रैक्ट युक्त ब्राइटनिंग सेरम मास्क। इसके बारे में लिखा है लोटस इन्फ्यूज्ड ब्राइटनिंग सेरम मास्क इज एनरिच्ड विथ नेचुरल सेक्सीफ्रेजा एक्सट्रैक्ट एंड मिल्क एंजाइम्स व्हिच हेल्प रिपेयर डैमेज्ड एंड डल स्किन। दिस सेरम मास्क अडैप्ट्स टू द कंटूर्स ऑफ द फेस एंड इट्स ब्राइटनिंग सेरम गेट्स इजिली एब्जॉर्ब टू द स्किन व्हिच रिन्यूज सेल्स एंड गिव्स रेडिएंट एंड ग्लोइंग स्किन। इट ऑल्सो कॉम्बैट्स द इफेक्ट्स ऑफ एग्रेसिव एनवायरनमेंट। इसमें जो सेक्सीफ्रेजा एक्सट्रैक्ट है वो फ्री रेडिकल, स्कैवेंजर एंड ये एंटी ऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा। एंड मिल्क एंजाइम मेलानिन हटाता है एंड कम्प्लेक्शन को ब्राइट करता है। एंड इस शीट मास्क अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो भी यहाँ पर मेंशनड है। रिवील्स अ हेल्दी ब्राइटर कम्प्लेक्शन, कीप स्किन सॉफ्ट एंड सपल, इम्पार्ट्स नेचुरल रेडियंस एंड ग्लोइंग स्किन। थर्ड शीट मास्क का नाम है कैलेंड्यूला एक्सट्रैक्ट इंस्टा प्यूरिफाइंग सेरम मास्क। पीछे इसके बारे में लिखा है लोटस इंस्टा प्यूरिफाइंग सेरम मास्क इज एनरिच्ड विथ नेचुरल कैलेंड्यूला एक्सट्रैक्ट व्हिच काउंटरैक्ट्स हार्मफुल स्किन बैक्टीरियास एंड इम्प्योरिटीज। दिस सेरम मास्क अडैप्ट्स टू द कंटूर्स ऑफ द फेस एंड इट्स प्यूरिफाइंग सेरम गेट्स इजिली एब्जॉर्ब टू द स्किन, रिमूव्स इम्प्योरिटीज एंड प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम टॉक्सिक एंड फ्री रेडिकल्स। इसका जो मेन इन्ग्रेडियंट है कैलेंड्यूला एक्सट्रैक्ट, उसके विषय में लिखा है हाईली रिगार्डेड एज अ मेडिसिनल फ्लावर इन एंशियंट सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, कैलेंड्यूला एक्सट्रैक्ट कंटेन्स अ लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स दैट प्रिवेंट सेल डैमेज एंड बैक्टीरियल हार्म, डिटॉक्सिफाइज स्किन एंड रिमूव्स इम्प्यूरिटीज, लॉक्स द मॉइस्चर एंड कीप्स स्किन स्मूथ एंड सपल, रिवील्स हेल्दी लुकिंग कम्प्लेक्शन। एंड मेरे फेस पे कुछ इस तरह से फिट आया है। ये मास्क थोड़ा सा बड़ा है, आपके ब्रॉड फोरहेड एंड फ्लफी चिन है तो इजीली ये पूरे फेस को कवर कर लेगा। इसका जो शीट है वो बहुत मोटा है बट कॉटन का है। दूसरे शीट मास्क की तरह इसमें ज़्यादा सेरम आपको नहीं मिलेगा। नॉर्मली नायका, इनिसफ्री, द फेस शॉप, गार्नियर में जो शीट मास्क आता है उसमें बहुत ज़्यादा सिरम मिलता है। एक्स्ट्रा सिरम में आप बाद में
कंप्रेस्ड शीट मास्क डाल के यूज़ कर सकते हो, बट इसमें एक बूंद भी एक्स्ट्रा सीरम नहीं है। बट इसका शीट वेट है, एक बार यूज़ करने के लिए काफ़ी है। आपको सिर्फ 10 मिनट से रखना है फेस पे। जब मैं थका हुआ एंड लेजी फील करती हूँ तब मैं इस शीट मास्क को लगाती थी। फ्रिज में 20 मिनट्स इसको रख के ठंडा कर लो एंड उसके बाद इसको अप्लाई करके रिलैक्स कर लो। और हाँ, एक बात, अच्छा रिजल्ट पाने के लिए मैं ये लोटस वाइट ग्लो का ही फेस वॉश यूज़ करती हूँ फेस को क्लीन करने के लिए। यहाँ पर लिखा भी है, फॉर बेस्ट रिजल्ट्स यूज थ्राइस अ वीक आफ्टर क्लेंजिंग द फेस विथ वाइट ग्लो फेशियल फोमिंग जेल। अगर आपके पास ये फेस वॉश नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने पसंद के फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हैं इसको अप्लाई करने से पहले। आप देख ही रहे हो मैं इन तीनों को यूज़ कर चुकी हूँ। इस शीट मास्क का जो इफेक्ट है वो 5 to 6 डेज तक ही फेस पे रहता है। मैंने संडे संडे इन तीनों को यूज़ किया है। अगर आपके स्किन में टैन है, स्किन काले हो रहा है, तो आप इस ब्राइटनिंग मास्क को यूज़ कर लीजिए। ड्राई एंड डल स्किन के लिए ये एलोवेरा वन अच्छा है। मेकअप करने के एक घंटे पहले आप पर्टिकुलर इसको अप्लाई कर सकते हैं, स्किन को हेल्दी एंड मॉइस्चराइज्ड लुक मिलेगा। गर्मी के वजह से मेरी फेस पे ना छोटे छोटे दाने निकल आए थे, तो मैं ये कैलेंड्यूला फेस मास्क ठंडा करके फेस पर अप्लाई किया नाइट टाइम में, एंड नेक्स्ट मॉर्निंग में देखा वो दाने बैठ गए। आप चाहो तो इन तीनों को ही परचेस कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूँगी अगर आपको इसमें से एक शीट मास्क ट्राई करना है तो ये ब्राइटनिंग वाला ज़रूर ट्राई करें। इसका स्मेल बहुत लाइट, सूदिंग, रिफ्रेशिंग है। लोटस इंडिया का एक रेप्यूटेटेड ब्रांड है। इसमें कोई हार्मफुल केमिकल्स भी नहीं है। प्रोडक्ट्स क्वालिटी के हिसाब से प्राइस भी ठीक ठाक ही है, बट इसमें थोड़ा सा डिस्काउंट मिलता तो अच्छा होता। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का रिव्यू वीडियो। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड अच्छे अच्छे कॉमेंट्स ज़रूर कीजिए, एंड मेरी चैनल ब्यूटी एस रश्मि को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।